उत्तर प्रदेश निर्वाचन पर निर्वाचन इस्ताहार घोषणा करछि बीजेपी लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करछन्ते गृहमंत्री अमित शाह। अमित शाह कहिछन्ति एहा केवल घोषणा पत्र नुहे संकल्प पत्र, एहा उत्तर प्रदेश को नुआ भविष्य आड़क नहीं जीव। विभिन्न वर्गों पर दल घोषणा पत्र जारी करछि, एथरे अनेक प्रतिश्रुति दिया जाइछि। 10 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि करा जीव, प्रति परिवार जनक रोजगार दिया जीव, गाँव को बस चलाचल पर 2000 नुआ बस, 2 कोटी टैबलेट और स्मार्टफोन बंटन हेबो, कृषकों को जलसेचन मागणा बिजुली सेवा जगै दिया जीव, कॉलेज जाउथवा सब महिला सब जो छात्री माने रहिछन मागणा स्कूटीर प्रतिश्रुति दिया जाइछि, उज्ज्वला हिताधिकारी को होली और दीपावली में मागणा एलपीजी सिलिंडर, गरीब परिवार झियों विवाह पर 1 लाख टंकार आर्थिक सहायता, विधवा निराश्रय महिला प्रतिमास 1500 टंकार पेंशन। उत्तर प्रदेश की महान जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार 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 भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी, और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। आर्थिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, सुशासन देना हो, सलामती देना हो, गरीब कल्याण के काम हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने हमारे संकल्पों को पूरा किया है, और हम आगे पर भी इसी इतिहास को बरकरार करने चाहेंगे। परीक्षाओं के लिए हर जिले में इनके कोचिंग की व्यवस्था कर उसके अपग्रेडेशन का काम करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश से इस प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को स्थान मिल पाए। शिक्षा क्षेत्र के लिए भी हमारा संकल्प है, हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, टेबल बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे, और उनको आधुनिक बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर उपलब्ध कराने का काम करें। माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे, 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम हायर एजुकेशन रिनोवेशन मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के कॉलेजों को बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो, जिससे प्रदेश के युवाओं को पढ़ने के लिए प्रदेश के बाहर न जा पड़े।